आज के अपने इस सभागार में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे हमारे भोपाल नगर के ही अपने स्वयं के दम पर सब छोड़कर अपना काम खड़ा करने का एक उदाहरण, एक लीक से अलग हटकर जो लोग होते हैं ऐसे लोगों में, और श्रीमान अमित अनिल राजे जी हैं। मंच पर हम सबके जाने पहचाने, समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय तक अन्य अन्य संस्थाओं संगठनों में काम करते हुए और अभी वर्तमान में भारतीय विचार संस्थान न्यास के अध्यक्ष इस नाते से वहां पर काम कर रहे ऐसे हमारे सबके सुपरिचित सम्माननीय सतीश जी पिंपळीकर जी, इस सभागार में उपस्थित ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर थोड़ा आप लोगों को भ्रम हो रहा हो, परंतु वो ऐसे सारे मन से युवा अपने संघ के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सारे और भी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो दिल दिमाग और मन से युवा हैं। सभागार में उपस्थित श्रद्धेय भगिनी और नौजवान साथियों, कल का हमारा सत्र संपन्न हुआ, इसमें भी कुछ लोग रहे होंगे। भारतीय विचार संस्थान के माध्यम से वहीं से बढ़ाओ, समाज में एक वैचारिक प्रबोधन का ऐसा अभियान इन्होंने हाथ में लिया है, उसी के अंतर्गत मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ। कुल मिलाकर हम सब भारत देश के लोग हैं और भारत की प्राचीनता, उसकी अर्वाचीनता, उसकी और दुनिया में सबसे अधिक पुरातन ऐसा कोई देश है तो वो कौन सा देश है, तो वो सब उसका एक ही उत्तर आता है कि वो हमारा भारत देश। इस भारत के गौरव का, इस भारत के पराक्रम का, इस भारत के यशोगान का वर्णन समय समय पर अनेक सब जिन्होंने भी भारत को नजदीक से पास से देखा है उन्होंने इस भारत के गौरव का, उसके यशोगान का, उसके पराक्रम का ऐसा वर्णन लोगों ने भारत का किया है। और इसलिए मैथिली शरण गुप्त की एक चार पंक्तियां भारत के गौरव को लेकर जो उन्होंने की है, उसमें वो भारत की वैभवता का, संपन्नता का ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन, वह भारतवर्ष है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में भारत का वर्णन करते हुए भारत का ऐसा वर्णन किया। ऐसे पराक्रमी, ऐसे सौभाग्यशाली देश के हम सब ऐसे युवा साथी यहां बैठे हैं। इस प्राचीनता के साथ भारत का एक और वैशिष्ट्य है, यह भारत युवाओं का देश है। और आज जब दुनिया के बारे में विचार करते हैं तो दुनिया के सारे देश ये अपने बुढ़ापे की तरफ चले जा रहे हैं। ऐसे समय में भारत का भविष्य इसलिए स्वर्णिम है कि भारत ये एक युवा राष्ट्र बनकर आने वाले समय में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर चाइना ने भी इस विषय पर थोड़ी गलती की, उसका परिणाम उसको भुगतने को मिल रहा है। दुनिया के अन्य अन्य देशों में भी इसी प्रकार के दुष्परिणाम के कारण आज आने वाले 20 वर्षों में चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो और चाहे चाइना हो, ऐसे जो आज दुनिया के नक्षत्र पर
एक प्रदीप्तमान इस प्रकार के देश दिखते हैं। इन देशों के बारे में अगर विचार करेंगे तो यह आने वाले समय में एक 25-30 साल बाद इन तीनों चारों देश में या तो 60-65-70-80 वर्ष के बूढ़े रहेंगे या फिर 8-10-12-15 साल के बच्चे रहेंगे। एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप ये वहां पर आ गया है। परंतु भारत ऐसा देश है जहां आज भी 16-40 साल के बच्चों के आयु वर्ग का हिसाब लगाते हैं, तो भारत में आने वाले समय में इस रेंज में आने वाले अगर हम युवक गिनते हैं तो वो लगभग 50% की श्रेणी में आते हैं। और आप जैसे यहाँ युवा साथियों को गिन लिया जावे तो उसका प्रतिशत तो 80 भी हो जाएगा, ऐसा बात ध्यान में रखें। तो युवा तो वास्तव में ये मन से होता है, आयु की बात तो ठीक है परंतु युवा ये एक मन का भी विषय है। और युवा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने युवा की बड़ी छोटी सी परिभाषा दे दी। सावरकर वो है जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत खोज की है, स्वदेशी स्व के भाव के जागरण का उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया है। बहुत सारे ऐसे शब्द जो हमारे बोलचाल में आज आ गए हैं, ऐसे शब्दों को जगाने का काम, उनको खोजने का काम सावरकर ने किया। हम मेयर शब्द बोलते हैं, इस मेयर शब्द के लिए महापौर शब्द की खोज जो है वो सावरकर ने की। ऐसे ही हम और शहीद बोलते हैं, शहीद बोलते समय हमारे ध्यान में नहीं आता कि शहीद कौन सी भाषा का शब्द है। शहीद के लिए हुतात्मा शब्द की खोज ये सावरकर ने की है और इसलिए उन्होंने युवा की परिभाषा देते हुए कहा युवा यानी कौन, तो उन्होंने कहा युवा इसको आप केवल विपरीत कर दो तो वो वायु होता है। युवा यानी वायु है, युवा यानी वेग है, युवा यानी तेज है, युवा यानी चंचलता है, युवा मतलब प्रवाह। ऐसा युवा के बारे में एक प्रेरणादायी बात और सावरकर ने अपने यहाँ पर कही है। और इसलिए युवा वो है जो सपने ऊंचे देखता है। वास्तव में प्रौढ़ता कब आना शुरू हो जाती है? प्रौढ़ता आना शुरू हो गई आप समझ लीजिए जब आदमी पूर्व काल के और अपने भूतकाल की कहानियां बताना शुरू कर देता है कि हम जब ऐसा करते थे, ऐसा अगर हमने बताना शुरू कर दिया तो समझना कि हमारी जो है प्रौढ़ता और वृद्धावस्था की तरफ हम बढ़ने की दिशा में चल पड़े। और इसलिए युवा सोचता क्या है, तो युवा तो हमेशा तेज प्रवाह गतिमान आने वाले समय का विचार करता है। युवा कौन है? तो युवा सपने देखता है। युवा सपने ऐसे देखता है जिसको पूरा करने के लिए लोगों को लगने वाले असंभव लगने वाले सपने जो पूरा करने का सपना देखता है वो ही वास्तव में युवा है। और इसीलिए इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार के भावों को लेकर जो चलता है वो युवा है। और इसलिए अभी राजे जी ने भी कहा कि हम में से ऐसे कितने जिन्होंने अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय करके रखा है, जिन्होंने अपने जीवन का कोई मिशन तय करके रखा है, जिन्होंने अपने जीवन का कोई उद्देश्य तय करके रखा है, तो थोड़े हाथों की संख्या कम उठी। कुछ लोगों ने संकोच भी नहीं उठाए होंगे, परंतु दृश्य इसी प्रकार का ध्यान में आता है। और इसलिए असंभव को संभव करने वाला ऐसा ये युवा। परंतु युवा अगर लक्ष्य न ले, युवा अगर उद्देश्य को लेकर न चलने वाला हो, युवा के दिमाग में कोई टारगेट ना हो, उसके जीवन का कोई मिशन ना हो, तो वो युवा कैसा है? तो एक नाव जो बहती हुई नदी में पड़ी है और जिसमें नाविक नहीं है, ऐसे नाविक विहीन जो नाव है जिसका कोई भविष्य में भरोसा नहीं है कि वो किस गोते में आकर डूब जाएगी, जिस प्रकार से नाव पतवार रहित एक नदी में बहती है, एक उद्देश्यहीन दिशा रहित लक्ष्य रहित युवक, उसका जीवन भी उस नाव के समान रहता है। और इसलिए जीवन में लक्ष्य इसकी अत्यंत आवश्यकता है, हम सबने भी इसका विचार कर रहे हैं। और इसलिए युवा अपने भारत के युवा के बारे में अगर विचार करें तो भारत के युवा का वैशिष्ट्य ये दुनिया भी मानने को आज तैयार हो गई। भारत के युवा के बारे में अगर हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत के युवा के बारे में रिसर्च करने वाले, भारत के युवा के बारे में अध्ययन करने वाले, भारत के युवा के बारे में शोध कर उसके बारे में बोलने बताने वाले लोगों के जब हम आंकड़े देखते हैं और अपने भारत के युवाओं का पराक्रम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत का युवा ये कैसा है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के सारे युवाओं का एक आयु ग्रुप का एक उन्होंने और आईक्यू टेस्ट किया। सारी दुनिया के युवाओं का एक आईक्यू टेस्ट करने के बाद आपके लिए एक सुखद आश्चर्य की बात होगी कि दुनिया में सभी प्रकार की रेस जो है, सभी प्रकार की जाति बिरादियां और सारे प्रकार के देश में रहने वाले लोगों के ऐसे युवाओं का जो आईक्यू टेस्ट किया, ऐसा कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में घोषित किया कि दुनिया का वो देश भारत है जहां के युवाओं का आईक्यू लेवल दुनिया के युवाओं से सबसे ज्यादा है, सबसे श्रेष्ठ है। ये बात हमारे लिए निश्चित तौर होती है, ये बात हमारे लिए निश्चित विशेषता भरी बात है। ऐसा भारत का युवा चाहे जहां पर भी गया है, उसने अपना वहां पर अपना पराक्रम दिखाने का काम किया। 1999 में बिल गेट्स भारत में आए थे, हमें से पुराने लोगों को सबको ध्यान में होगा। बिल गेट्स जब भारत में आए तो विभिन्न प्रकार के उनके प्रोग्राम हुए, कार्यक्रम हुए। ऐसे कार्यक्रमों के बाद पत्रकार छोड़ता नहीं है, पत्रकार तुरंत आता, पत्रकारों ने कहा कि आपका भारत में आने का उद्देश्य क्या है, आप भारत आए क्यों हैं, क्या कारण है आपका भारत में आने का। उन्होंने कहा कि मैं भारत को थैंक्स करने आया हूं, मैं भारत को धन्यवाद करने आया हूं, मैं जो कुछ भी हूं आज और मेरा जो सारा कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का अगर राज है तो वो भारत के ऐसे बुद्धिमान नवयुवक जिन्होंने आकर मेरे कंपनी को चार चांद लगा दिए, इसलिए मैं भारत की कृतज्ञता अर्पित करने के लिए इस भारत की धरती को प्रणाम करने के लिए आया हूं। ऐसे भारत के युवाओं का परचम भारत के लोगों ने भारत के बाहर भी दिखाया। ऐसे ही भारत के अगर हम आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में विचार करते हैं तो इसी प्रकार की एक घटना थोड़ी पुरानी होगी। जब अपने देश के प्रधानमंत्री कभी गुजराल साहब हुआ करते थे, गुजराल साहब जब भारत के बाहर गए, वहां पर उनकी मुलाकात बिल गेट्स से हुई। उस समय एनडीए की सरकार थी और गुजराल साहब वहां पर बिल क्लिंटन से मिलने के लिए गए थे। बिल क्लिंटन से जब मुलाकात हुई, उसकी मुलाकात के बाद वहां के समाचार पत्रों में और बिल क्लिंटन ने जो बोला था वो छपकर आ गया। उन्होंने कहा आपके देश के नौजवान बड़े अजब गजब के हैं, जो सारी दुनिया की राजधानी है जो सिलिकॉन वैली है, जो सॉफ्टवेयर की सारे दुनिया की राजधानी ऐसी सिलिकॉन वैली में भारत के युवाओं का 50% कब्जा, यह आपके भारत के देश के लोगों का है। ऐसा हमारे भारत के युवाओं का पराक्रम यह हमारे ध्यान में आता है। और इसलिए अगर हम देखते हैं तो भारत ने अपने दुनिया में परचम लहराने का काम हमारे यहाँ के युवाओं ने हर क्षेत्र में करने का काम किया। नासा के बारे में आज विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि नासा का 20-22% वहां का वैज्ञानिक जो है वो सारा का सारा वो भारतीय मूल का है, भारत से गया हुआ ऐसा एक बहुत बड़ा प्रतिशत वहां पर। अमेरिका जो आज दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है, ऐसे अमेरिका के सारे बड़े बड़े संस्थानों का अगर हम विचार करते हैं तो ऐसे सारे संस्थानों पर नंबर दो का जो भी आदमी बैठा हुआ है, ऐसा नंबर दो का बैठा हुआ आदमी वो भारतीय मूल का है। वो आप सारा सर्च करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। वो नंबर वन इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वहां पर नियम बना के रखा है कि जो चीफ बनेगा वो अमेरिका मूल का होगा, बनता हुआ अमेरिका मूल का नंबर वन का आदमी है, पर सारी कंपनी को चलाने का काम सारा का सारा वो भारतीय मूल के नौजवान ये वहां पर करते हुए दिखते हैं, बात ध्यान में आती है। और इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी आज सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी सारी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ बैठे हैं आज, ऐसे सारे कंपनियों के बारे में जब विचार करते हैं तो मैं जरा देख रहा था तो दुनिया की ऐसी 12 बड़ी कंपनियों के सारे सीईओ वो सारे के सारे भारतीय हैं या भारतीय मूल के। वो चाहे सुंदर पिचाई से ले लो तो ऐसे सारे नाम हम एक के बाद एक लेते हैं तो वो सारे के सारे, वो चाहे सत्या नडेला हो, चाहे पराग अग्रवाल हो, चाहे वो लीला नायर हो, चाहे वो जयश्री उल्लास हो, चाहे वो निकेश अरोड़ा हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सब भारतीय मूल के। ऐसा भारत ने अपने दुनिया में अपने क्षमता बुद्धि का परचम ये हमारे भारत के लोगों ने दुनिया में फैलाने का काम किया। और आप तो कंपनियों की छोड़ दीजिए, दुनिया के ऐसे 12 देश हैं जिन देशों को चलाने का काम वहां पर भारत के लोग कर रहे हैं। लगभग 52 देश ऐसे हैं जहां पर सत्ता में बैठे हमारे लोग, 200 से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार से वहां के सत्ता का सूत्र संचालन करने वाले, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश को पद दलित करने वाला,
हमारी संस्कृति सभ्यता को समूल उच्छेदन करने का स्वप्न देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर ब्रिटेन और इंग्लैंड ने हमारे देश के साथ जो अनाचार अत्याचार किया, ऐसे देश को भी झक मार कर हमारे देश के आदमी को अपने सिर पर माथे पर बिठाना पड़ा, मजबूरी हो गई। यह भारत का पराक्रम। कोई गन गोला बंदूक बारूद से नहीं, तो हमारे देश के युवाओं की क्षमता योग्यता थी कि ऐसे रिसेशन के पीरियड में उनको अंततः थक हार कर और भारत के युवक की शरण में आना पड़ा। ऐसा ये भारत का युवक अपने अपने स्थान पर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता हुआ और अपने भारत की आहट को धीरे धीरे समाज और दुनिया में ये लगाने का काम कर रहा। ऐसे आविष्कारों के क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो ऐसे सारे आविष्कार, इन सारे आविष्कारों में चाहे वो परमाणु विस्फोट का विषय हो, चाहे वो मंगलयान को सबसे सस्ते रेट में चीपेस्ट हमने पहुंचाने का विषय, से सारे विषयों पर और भारत ने जिस प्रकार का पराक्रम किया है, ऐसे पराक्रम का जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत का ये एक उज्जवल इस प्रकार का स्वरूप हमको देखने के लिए मिलता है। और जब हम ये सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से न चाहते हुए भी दोनों हाथ हमारे आपस में टकराते हैं और तालियां स्वाभाविक रूप से बजना शुरू हो जाती है। परंतु जिस प्रकार से ये तालियां हम बजाते हैं तो एक दूसरा दृश्य भी भारत का है। इस दूसरे दृश्य के बारे में भी जरा हम सब ने विचार करने की आवश्यकता। यह सारा का सारा सुनने के बाद मन में एक सुखद अनुभूति भी होती है, परंतु भारत का एक दूसरा दृश्य ऐसा है, एक दूसरा फेस ऐसा है, दूसरी साइड ऐसी है जिसको देखने के बाद सुनने के बाद मन में थोड़ा क्षोभ होता है। और हमारे युवाओं को यह बात दिल में कचोटती है कि नहीं, यह भी कभी कभी लगता है। और इसलिए दूसरे देश के बाद दूसरा दृश्य जब हम देखते हैं तो भारत की आर्थिक विषमता के बारे में जब हम विचार करते हैं, यह जरूर है कि हम दुनिया के नंबर 500 ऐसे लोगों का विचार करें जो दुनिया के टॉप 500 ऐसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं। ऐसे लोगों की सूची में शायद कभी भारत का एक भी नाम नहीं हुआ करता था, परंतु अब बड़ी तेजी के साथ भारत के ऐसे बड़े बड़े जो हो गए हैं वो मिलीनियम क्या है, सारे के सारे उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज तो भारत दुनिया के जो टॉप 10 है उसमें दो लोग भारत के लोग हैं, एक तो शायद तीसरे और चौथे पर है। परंतु दूसरी तरफ हम भारत के बारे में विचार करते हैं तो भारत का ये करोड़ों करोड़ों समाज, इसके बारे में विचार करते हैं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय का अगर आज हिसाब किताब लगाते हैं तो ध्यान में आता है कि 150-200 रुपए की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के एक आदमी पर पड़ती है। ये तो प्रति व्यक्ति आय का हिसाब लगाते हैं और एक बड़ा नंबर ऐसा है, करोड़ों करोड़ लोग ऐसे जिनकी प्रति व्यक्ति आय, एक दिन की आय $1 होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि $1 में कैसे आदमी अपने दिन की गुजर करेगा, एक 50-60 रुपया में उसके दिन भर का भोजन कैसे होगा, और 50-60 रुपए अगर उसकी आय है तो उसके घर में दाने कहां से आते होंगे। आपको आश्चर्य होगा कि भारत का 15 करोड़ से अधिक इस प्रकार का समाज है जो आज भी दिन में एक समय भूखा सोता है, एक समय उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, रूखा सूखा खाकर, शायद नमक रोटी खाकर, शायद पानी पीकर, शायद पेट में अपने घुटनों को डालकर चादर ओढ़कर सोने वाला भी अपने देश में 15 करोड़ से अधिक इस प्रकार का समाज है। यह देखकर हमारे देश का युवा, इसका मन जरा हलचल करता है कि नहीं करता है? हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम मनाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु इतना होने के बाद भी अगर हम अपने बारे में विचार करेंगे कि भारत की शिक्षा का स्तर क्या है, भारत का एजुकेशन क्या है, अरे जो देश कभी मां सरस्वती की आराधना में अपने आप को संलिप्त हुआ करता था, जिस देश ने दुनिया को वेदों की रचना देने का काम किया, ऐसे देश में अगर हम साक्षरता के बारे में विचार करते हैं तो जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, ऐसे सरकारी आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर भी 73-74% से अधिक नहीं आता। भारत में 73% समाज ऐसा है जो साक्षर है, और साक्षरता का स्टैंडर्ड भी क्या है, साक्षरता का स्टैंडर्ड है जो अपना नाम लिख लेवे रामलाल, और जो फिल्म का पोस्टर पढ़ लेवे
वो हमारे यहाँ का एजुकेट पर्सन माना जाता है, वो हमारे यहाँ का साक्षर व्यक्ति माना जाता है, इस बिलो स्टैंडर्ड के बाद भी हमारे यहाँ पर पढ़ने का प्रतिशत ये 73% आता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, और अगर हमने हिसाब किताब लगाया तो एक 25-26-27% ऐसा समाज में व्यक्ति आता है जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अक्षर ज्ञान नहीं है। सुनने में तो 25-26% थोड़ा सा कम लगता है, पर हिसाब किताब लगाएंगे तो भारत की जनता का 27 करोड़ समाज ऐसा है जिसके लिए आज भी काला अक्षर भैंस बराबर है। हम कल्पना कर सकते हैं क्या यह हमारे जैसे प्रबुद्ध पढ़े लिखे सब प्रकार के लोगों के लिए यह करारा चाटा नहीं है गाल पर? हमें कभी समझ में भी आता है? हमने कभी उस दर्द को महसूस भी किया है? मैं अभी जिला से प्रवास में था तो सीवन, यहाँ सीहोर जिले के प्रवास में था, सुबह सुबह उठकर मैं जरा नदी की तरफ चला गया। वहां सीवन के घाट पर एक व्यक्ति काम कर रहा था, वो स्वीपर था। मैंने उसने मेरे को देखकर ही जय श्री राम कहा। मैंने नमस्ते कहा, उसने जय श्री राम कहा। मेरे को आश्चर्य हुआ कि मेरे को जय श्री राम क्यों कह रहा है। सोचा कि ये धोखे में कर रहा होगा, पर थोड़ा मेरे ध्यान में आ गया कि वो मेरे को जानता था। थोड़ी मैं बातचीत करने लगा, वो बातचीत में ध्यान में आया 15 साल से वो सीवन नाम की नदी का कचरा साफ करने का काम कर रहा है। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे कितने हो? तो कहता भाई बाबूजी हम तो कभी स्कूल गए नहीं। अपना नाम लिख लेते हो? कि हाँ नाम तो लिख लेता हूँ। क्या कर रहे हो? 6,000 रुपये की कमाई होती है, दिन में दूसरी जगह भी काम करता हूँ, पर मैंने तय किया है कि मेरे बच्चों को और पढ़ाई लिखाई से मेरे को बराबर बनाए रखना है, तो डबल मेहनत करता हूँ। भोपाल में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत दिक्कत होती होगी, ग्वालियर का है वो। मैंने कहा ट्रेन में जाते होगे तो बड़ी दिक्कत होती होगी, इधर जाना है किधर जाना है, तुमको समझ में कैसा आता होगा? बोले बाबूजी बड़ी दिक्कत है, अकेले तो जाता ही नहीं हूं, बच्चों को लेके जाता हूं। आप कल्पना करते हो क्या हमारे दिमाग में ये बातें आती है? क्या इस प्रकार की बातें हम सोचते हैं क्या? भारत का ऐसा प्रतिशत है, इसको ठीक करने की दिशा में हम कुछ सोचते हैं क्या? भारत के कुछ बारे में विचार करेंगे तो दुनिया में सबसे अधिक नेत्रहीन ऐसे जिनको हम सूरदास कहते हैं उसकी संख्या में अगर नंबर लगाओगे तो भारत का नंबर दुनिया में नंबर एक आएगा। टीवी के पेशेंट भारत में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक वो भारत में मिलेंगे। भारत के बारे में जब इस प्रकार का विचार करते हैं तो भारत में भिक्षुओं की बारे में विचार करते हैं तो दुनिया में सबसे अधिक भिक्षु की भारत में मिलेंगे। अरे सांप के काटने पर मरने वालों में भी आप 80% है दुनिया में। दुनिया भर में जितने लोग मरते हैं सारी दुनिया में सांप काटने के बाद मरने वालों में 80% भारत का आदमी मर जाता है। जू नहीं रहेंगी हम पर। कभी कभी हम भी इतनी मोटी चमड़ी के हो जाते हैं, क्षमा करना, कि हमको ये सब बातों का कभी दरकार ही नहीं होती। और इसीलिए जब हम युवा हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि भारत का 10 लाख आदमी ऐसा है जो कार्डियल ब्लाइंडनेस के शिकार है। अब यह सब विषय हमें कोई धक्का लगा देंगे नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाले रोड एक्सीडेंट में नंबर भारत का है। एक दृश्य मैंने पहले भी दिखाया था और दूसरा दृश्य जो है ये मैंने अभी आपको बताया। तो हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कभी कभी कैसा हो गया, वो पुराने समय में वो कविता याद कराई जाती थी, सोमवार मंगलवार याद कराना है तो एक रैम कराया जाता था, बॉर्न ऑन संडे, फिर संडे को ये हुआ, मंडे को ये हुआ, ऐसा करके एक कविता हुआ करती थी। उस कविता को बच्चों को सोमवार मंगलवार संडे मंडे ट्यूजडे याद कराने के लिए सिखाया जाता था। उसमें यही होता था बॉर्न ऑन मंडे। तो क्या है कि सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को नामकरण हुआ, बुधवार को बड़ा हुआ, गुरुवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बच्चे हुए, शनिवार को बूढ़ा हुआ और रविवार को मर गया। क्या इसीलिए पैदा हुआ? पैदा होना, पैदा करना और मर जाना, क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? क्या केवल पेट भरने के लिए पैदा हुए हो? और इसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो तो जो देश के नौजवान, जो देश के युवक अपने देश के
लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से शिक्षित प्रशिक्षित होकर योग्य बनकर अपने समाज के बारे में विचार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत खराब शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने किया है। उन्होंने ऐसे लोगों को देश का देशद्रोही कहा है। ऐसा युवा वो देश का देशद्रोही है जो अपने समाज के बारे में विचार नहीं करता। और इसीलिए जब हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या केवल पेट भरना? पेट भरने के लिए आप लोग कहीं मोहताज हो ऐसा आपके चेहरों को देखकर मेरे को नहीं लगता है। भगवान ने जिस प्रकार से आपको जिस जगह पैदा किया है वहां पर आपको पेट भरने की तो कहीं दिक्कत है ऐसा लगता नहीं है। आप सब लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या जेबें भरना होंगे? और जेबें भी भगवान ने आपको ऐसी बना दी है कि वो जेबें लगता है कि ना भरने वाली है कभी, जैसे अन्नपूर्णा का अन्न पात्र कभी खाली नहीं होता था। आपकी जेबों में कितना भी पैसा डाल दिया जावे वो भरने नहीं वाला है, वो खाली ही रहेगा। ऐसे हमारे युवा का जेब होता हुआ दिखता है। और इसलिए देश के युवाओं को विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी सर ने पूछा था कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से इसी प्रकार के एक नवयुवक ने बहुत गरीबी और दरिद्रता के अवस्था में पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ता हुआ एक तीरथ राम नाम का एक लड़का इतने गरीबी की अवस्था में पढ़ते हुए आगे बढ़ता है, हॉस्टल में रहता है तो उसको हॉस्टल का पैसा चुकाने के लिए भी उसके मित्र उसका सहयोग करते हैं। ऐसे तीरथ राम का एक बार एक जूता कुत्ता लेकर चला जाता है। तीरथ राम को दूसरा जूता भी खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। वो तीरथ राम एक किसी और पुराने सीनियर का जूता कोई दूसरा एक कुत्ता ले जाया रहता है तो उसका एक जूता पड़ा रहता है, वो एक जूता पहनता है एक अपना जूता पहनता है। ऐसा कॉलेज में जाने वाला वो तीरथ राम वो गणित का इतना विशेषज्ञ बनता, शायद गणित के इतिहास में तीरथ राम एक बहुत बड़ा नाम बनता। परंतु वो स्वामी जी की प्रेरणा से जीवन की दिशा बदली और तीरथ राम बन गए राम तीर्थ। जैसा स्वामी जी ने अमेरिका में भारत का परचम लहराया ऐसा ही परचम लहराने का काम जापान में जाकर तीरथ राम अर्थात राम तीर्थ ने किया। ये राम तीर्थ जापान में एक ऐसे ही युवाओं की बैठक ले रहे थे। युवाओं को उन्होंने एक एक कागज एक एक स्लिप दी और कहा कि इसमें अपने जीवन का उद्देश्य को व्हाट इज योर एम योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसा अभी सर ने भी पूछा था कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, जिनने हाथ खड़े किए उनको भी अगर स्लिप दी जाती तो सारे के सारे हम में से भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, कुछ ने खड़ा किया, कुछ लोग बोलना चाह रहे थे बोल नहीं पाए, पर हमको सबको स्लिप दी जाती तो हम सब उसमें उत्तर लिखेंगे। लिखते हम क्या लिखते? तो हम में से कोई लोग लिखते कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं शिक्षक बनूंगा, मैं कहता प्राध्यापक बनूंगा, कोई कुछ कहता। जापान के बच्चों को भी इस प्रकार का जब दिया गया, जापान के बच्चों की सब जब स्लिप कलेक्ट की गई तो आपको आश्चर्य होगा कि जापान के बच्चों की जो स्लिप कलेक्ट हुई सबका उत्तर एक था, टू सर्व ए नेशन इज एम ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के लिए सर्वस्व अर्पित कर देना यही मेरे जीवन का लक्ष्य। इसका मतलब ये नहीं है कि जापान में डॉक्टर इंजीनियर वकील प्राध्यापक ये नहीं बनते हैं, बनते हैं, परंतु जीवन में दिशा क्या है? जीवन में दिशा ये देश है, ये देश मेरा, और जो मैं बन रहा हूं वो किसके लिए बन रहा हूं? वो मैं अपने देश के लिए बन रहा हूं। इस प्रकार का भाव होने के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी बड़ी बमबार्डिंग के बाद हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटना के बाद से 500 साल पीछे चला गया जापान, आज दुनिया में फिर अपना नंबर टॉप मार रहा है। वो क्यों? क्योंकि जापान का बच्चा ये देश के लिए जीने वाला है सब। और इसलिए रामतीर्थ ने कहा कि ये देश कभी पीछे नहीं जा सकता। और इसलिए जब भारत का विचार हम करते हैं तो भारत का विचार करते समय हमारे मन में भारत के प्रति भक्ति के भाव का हमने विचार करने की आवश्यकता। ऐसा भक्ति के भाव का जागरण ये स्वामी विवेकानंद ने भी किया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से लौटने के बाद और भारत की धरती पर जब उन्होंने कदम रखा है वहां से लेकर उनके भाषण हुए भारत के बाहर, तो उन्होंने भारत का पराक्रम, भारत का वैभव, भारत का
धर्म भारत का विज्ञान इसका परचम वहां पर लहराने का काम किया। पर भारत आने के बाद उनका एक अंग्रेजी में वॉल्यूम है वो कोलंबो अल्मोड़ा उनकी यात्रा हुई है, उस यात्रा में उनके भाषण हुए, उन भाषणों में उन्होंने जगह जगह भारत के युवाओं को जागृत करके खड़ा करने का प्रयत्न किया है। बहुत कड़ाई से खिंचाई की उन्होंने आह्वान किया है खड़े हो जाओ, और उन्होंने अपने जो भाषण हुए उन सारे भाषणों में भारत के लिए आग्रह करते हुए अपने भारत के युवाओं के लिए कहा कि मेरे युवा साथियों तुम मेरे आशा के केंद्र हो, मेरे जीवन की आशा का केंद्र, हृदय की अत्यंत गहराइयों से मैं तुमको चाहता हूं, तुमको मैं प्रेम करता हूं, मेरे बच्चों तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो और इसलिए मातृभूमि के लिए काम करते करते तुम मृत्यु का वरण करो, ऐसा प्रेम का अद्भुत आह्वान ये स्वामी जी ने हमारे सब युवाओं के साथ उस समय किया। चेन्नई में उनके भाषण हुए उनकी वापसी के पश्चात, और रामेश्वरम में उनका एक जो भाषण हुआ है उस रामेश्वरम के भाषण में वहां भारत की धरती पर आने के पहले भारत की धरती के प्रेम की घटना हम सबने सुनी होगी कि वो आते हैं तो इस धरती पर लोटपोट हो जाते हैं, वो रेत जो है अपने शरीर पर डालने का काम करते हैं, और वहां पर वो अपने रामेश्वरम के भाषण में कहते हैं सुदीर्घ रजनी अब समाप्त प्राय ऐसी जान पड़ती है, हिमालय से बहने वाले मंद शीतल लहरों से, और ऐसा लगता है कि ये भारत रूपी तिमिंगल को जगा दिया है और ये भारत ऐसा जागा है कि अब ये सोएगा नहीं, इस प्रकार का वो उद्घोष भारत की धरती पर वहां पर करते हैं। और इसी प्रकार के एक उद्बोधन में वो 15 अगस्त 1897 में चेन्नई में उनका जो भाषण है उस भाषण में भारत और भारत के भक्ति के लिए लोगों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों के लिए सारे देवी देवताओं को लपेट कर और पोथी में बांध कर रख दो और केवल भारत की साधना में सब रत हो जाओ, ऐसा भारत के लिए आह्वान करने का काम और स्वामी जी ने किया। और इसको हम देखते हैं कि भारत के उस आह्वान जो उन्होंने 50 वर्षों का आह्वान किया वो 1897 में 50 जोड़ते हैं तो वो ठीक 1947 आता है, ऐसा स्वामी जी का इतना गणित पक्का। और इसलिए स्वामी जी के इन सब प्रकार की बातों के बारे में और देश के बारे में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि ये सब अगर हमको करना है तो हमारे देश के युवा के मन में संवेदना है कि लक्ष्य लेना है तो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य लेना कि हमने एक राष्ट्रीय लक्ष्य लेना, अपने देश और समाज के बारे में विचार करना। और इसीलिए देश और समाज का जो विचार करने वाले हैं वही लोकोत्तर जीवन होते हैं, ऐसे लोकोत्तर जीवन जो है वही देश दुनिया में और आगे बढ़ते हैं, वो देश और दुनिया में एक मिसाल बनकर खड़े होते हैं, वो एक उदाहरण बनते हैं, वो समाज का परिवर्तन करते हैं। और ऐसे परिवर्तन के कुछ वाहकों का मैं अगर हम स्मरण करें तो ध्यान में आता है कि शिकागो जाने के पूर्व स्वामी विवेकानंद केरल भी गए थे, केरल से जब वो निकले तो केरल का जो सारा दृश्य था ऐसे केरल के सारे दृश्य को देखकर उनके मन में बहुत क्षोभ हुआ, वहां छुआछूत वहां पर जो व्यवहार है, जो वहां अस्पृश्यता का व्यवहार है, छूत अछूत का व्यवहार है, वहां मंदिरों की जो स्थिति है, वहां शिक्षा की जो स्थिति है, ऐसा सारा दृश्य देखकर और स्वामी जी ने केरल के लिए शब्द प्रयोग किया कि केरल ये भारत का पागल खाना है, ऐसा केरल के लिए वो बोलकर निकल गए। शायद ऐसे किसी नौजवान के मन में बात तीस कर गई और उसने उस दिशा पर काम करना शुरू किया। एक 50 वर्ष भी नहीं हुए एक और महापुरुष केरल की धरती पर गए, वो थे बापूजी, वो पूज्य बापू मोहनदास गांधी। जब वहां पर गए तो केरल का दृश्य बदला हुआ था और इसलिए बापू ने कहा कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ऐसे केरल के भाग्य का परिवर्तन करने वाले उस व्यक्तित्व का नाम क्या है, तो उस व्यक्तित्व का नाम है जिनको लोग कम जानते हैं। आज भी उसका परिणाम है कि देश का अगर हमें एक सवाल पूछे आपसे कि भारत की धरती पर ऐसा कौन सा प्रदेश है जो साक्षरता में नंबर वन है तो हमारे मुंह से केरल ही निकलने वाला है। उस केरल को बनाने में जिन्होंने अपना जीवन लगाया वो युवा सन्यासी थे नारायण गुरु। नारायण गुरु एड़वा जाति के थे, उन्होंने इस बात को चैलेंज लिया और उन्होंने सारे मंदिरों के उद्धार के दिशा में काम किया, शिक्षा में, समाज सुधार में, लोगों के जागरण का काम किया। केरल एक
उदाहरण बनकर खड़ा हो। समाज में ऐसे उदाहरण खड़े करने वाले लोगों की आवश्यकता है। एक इसी प्रकार का उदाहरण महाराष्ट्र का ध्यान में आता है, वो उदाहरण ध्यान में आता है केरल अपने महाराष्ट्र में एक बहुत विद्वान व्यक्ति हो गए, अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ में काम करने वाले कर्मचारी भी कुछ लेटर ड्राफ्ट करना है तो उनसे मिलने के लिए आते थे। उनका नाम था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इतने लर्नेड आदमी थे, इतने शिक्षित थे। ज्योतिबा फुले का विवाह हुआ, पहले अभी जैसा तो था नहीं, ये देख लो वो देख लो और फिर कौन सा होता है क्या क्या होता है, और इसलिए जो आ गई वो आ गई। और इस नाते से जब विवाह में उनको विवाह के बाद ध्यान में आया कि उनकी पत्नी जो उनको मिली है उसके लिए काला अक्षर ये भैंस बराबर। अब इतना लर्नेड आदमी आज का समय होता तो क्या होता आप सब जान सकते हो, परंतु वो थे ज्योतिबा फुले। सावित्री देवी फुले विवाह के बाद उनको पता चला कि इसको तो अक्षर ज्ञान भी नहीं। मैं मुंबई पहली बार गया था तो वहां पर भगवान विनायक सिद्धि विनायक का दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे पैदल पैदल, थोड़ा रास्ता भटकते भटकते हुए हम आगे जा रहे थे, बहुत बड़ा स्टेचू खड़ा था तो एक आदम कद इस प्रकार की वो महिला हाथ में पुस्तिका लिए दूर से दिख रही थी। महाराष्ट्र में वो नौ गज की साड़ी होते हैं उसको नववारी साड़ी बोलते हैं, वो नववारी साड़ी पहने हुई थी। मैं सोच रहा था कि ये कौन होगी, दूर से तो सोच रहा था कि झांसी की रानी होगी, पर जैसा जैसा पास में गया तो ध्यान में आया कि तलवार घोड़ा वोड़ा तो कुछ है नहीं। एक महिला खड़ी है, भद्र महिला दिखा देखा नौ गज में खड़ी वो महिला। नीचे मैंने देखा तो लिखा था सावित्री देवी फुले। थोड़ा और आगे गया तो बहुत बड़ा विद्यालय का महाविद्यालय का बोर्ड लिखा था, उस पर लिखा था सावित्री देवी शिक्षण महाविद्यालय। तब मैंने कहा कि कौन है सावित्री देवी फुले, तब ध्यान में आया कि कौन है सावित्री देवी फुले, तो सावित्री देवी फुले वो आज इस आधुनिक काल की माँ सरस्वती। आज हमारी बहने जो अभी पढ़कर इस अवस्था में आकर खड़ी है उसका अगर क्रेडिट देना है तो वो सावित्री देवी फुले को देना। ज्योतिबा फुले घबराए नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तू पढ़ेगी? हाँ मैं पढ़ूंगी। और उन्होंने घर पर सावित्री देवी फुले को पढ़ाने का काम शुरू किया, कक्षा 5 पास कराई, कक्षा 7 उस समय मैट्रिक हुआ करती थी, कक्षा 7 की उनको पास कराई। जिस दिन वो कक्षा 7 पास कर गई तो इतना आनंद में आकर अपने पति को प्रणाम किया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। फुले तो अलग मिट्टी के थे, उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता का भाव नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जीवन धन्य नहीं हुआ है, तुम्हारा जीवन धन्य उस दिन होगा जब तुम्हारे जैसी हजारों हजारों बहनों के भाग्य का परिवर्तन तुम करोगी। उस दिन मैं खुश होऊंगा, उस दिन मैं प्रसन्न होऊंगा। आप कल्पना करो उस समय जब महिला का बाहर निकलना भी मुश्किल था, ऐसे समय में महिलाओं को पढ़ाना, और वो भी माली जाति के थे। उस समय माली जाति भी तथाकथित अस्पृश्य श्रेणी में आती थी। पिता पत्नी पत्नी ने संकल्प किया और उसने उस दिशा पर आगे बढ़ने का शुरू किया है, घरों घरों जाकर बच्चियों को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। बड़ी मुश्किल से खूब जद्दोजहद करने के बाद 9 बच्चियां 10 बच्चियां ऐसी तैयार हुई देने के लिए, कमरा देने के लिए लोग तैयार नहीं। शहर के बाहर एक छोटा सा कमरा किराए से लिया, बच्चियां स्कूल में आने के लिए तैयार हो गई। सारे तथाकथित प्रबुद्ध उस प्रकार के जो लोग थे उनके लिए तो ये दिल पर सांप लौटने वाली बात थी कि महिलाएं भी पढ़ेगी और पढ़ाने के लिए एक अस्पृश्य महिला पढ़ाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। खूब दबाव डाला, विरोध किया, दबाव डालने के बाद भी जब वो झुकी नहीं, वो निकल पड़ी अपने घर से बच्चियों को पढ़ाने के लिए। आपको आश्चर्य होगा क्या हुआ, लोगों ने अपने घर का कचरा नाली के गटर से निकाला हुआ मैला कचरा मैला ये उसके ऊपर फेंकना शुरू किया। वो वापस गई, कपड़े बदले, फिर एक साड़ी जोड़ी रखी, फिर गई, और ये क्रम 1 दिन 2 दिन 1 महीना 3 महीना नहीं, बंधुओं 1 साल तक सावित्री देवी फुले पर हमारे समाज के लोगों ने नाली का गटर का मैला फेंकने का काम किया। वो संकल्पवान थी, वो धैर्यवान थी, वो ध्येयनिष्ठ थी। आज हमारी बहनें जो भी पढ़ी लिखी हैं, जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है, उसका क्रेडिट अगर किसी को देना पड़ेगा तो वो आधुनिक काल की मां सरस्वती सावित्री देवी फुले। कल्पना करो भारत की वो पहली महिला शिक्षक आधुनिक काल की गिनती में आती, पर ये सब करने के लिए कितना बड़ा कलेजा उसका भी होगा और वो हमारे ज्योतिबा फुले ने भी कितना बड़ा कलेजा किया।
हम तो जरा से में बैक मार देते हैं, जरा से में हम पीछे हट जाते हैं। उत्साह में आकर भाषण सुनकर मन में तो आता है, पर जैसे ही बाहर जाते श्मशान वैराग्य जैसा हम सब भूल जाते हैं, सारी हवा निकल जाती है। वो धन्य है ऐसे लोग। और इसलिए जब हम विचार करते हैं तो हमने इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है कि हमने अपने देश को कैसा बना। और इसलिए कुल मिलाकर हमने ऐसे सपने देखने पड़ेंगे, और इसलिए अगर ऐसे सपने देखेंगे तो हमने समाज का और सब प्रकार का अपमान तिरस्कार विरोध यह भी सहना पड़ेगा। महात्मा गांधी बैरिस्टरी करके आए, इंग्लैंड से आए, वहां से आने के बाद एक बैरिस्टर भारत में तो गिने चुने बैरिस्टर थे, शायद 1915-16 के लगभग की बात होगी। चाहता आदमी तो क्या नहीं करता, भारत में आने के बाद उसने संकल्प किया कि मैं कोट टाई सूट बूट नहीं पहनूंगा, मेरे समाज का बहुत बड़ा वर्ग जैसा रहता है मैं भी वैसे ही कम से कम वस्त्रों में अपने जीवन का यापन करूंगा। आपको आश्चर्य होगा, मुंबई में वैश्य समाज के लोगों ने बैठक कर महात्मा गांधी को अपने जाति के बाहर बहिष्कृत कर दिया, ये हमारे बिरादरी का है ही नहीं, हुक्का पानी बंद करो, छोड़ दो इसको। पर महात्मा गांधी के बारे में कहा ना कि एक संकल्प, एक प्रकार का ध्येय इस प्रकार का मन में पक्का किया, और इसलिए वो खड़े रहे। हमारे भारत के हम सब नौजवानों को भी इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है कि हमने क्या सोचा है, मेरा सपना क्या होगा, मेरा ध्येय क्या होगा, कैसा भारत मैं बनाना चाहता हूं। अपनी योग्यता क्षमता बहुत बढ़ाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु अगर हमारे देश का सम्मान नहीं है तो दुनिया में आपका भी सम्मान नहीं है। दुनिया में देश का सम्मान होगा तो देश के आम जन का सम्मान होगा। और इसलिए भारत के युवकों को तय करना पड़ेगा कि हमारे भारत का सम्मान कैसा होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान में आता है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला ऐसे समय में मिला जब सारे देश में अंग्रेजों का शासन का साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया। नोबेल प्राइज मिलता है तो आदमी चार देशों की यात्रा करता है, उनकी भी कई देशों में यात्राएं हुई, अलग अलग प्रोग्राम हुए। ऐसे प्रोग्राम में रविंद्रनाथ जापान में भी 3-4 जगह भाषण हुए। ऐसे भाषणों के पश्चात उनका एक भाषण जो है और विश्वविद्यालय में होना था। विश्वविद्यालय में जब वो वहां पहुंचे, सीधे उनको हॉल में ले जाया गया, हॉल खचाखच भरा हुआ। वक्ता की कमजोरी है कि वो हॉल भरा हुआ देख ले और 2-4 तालियां बजा देवे तो उसका बोलने का उत्साह और बढ़ जाता है। आप लोग तालियां मत बजा देना। हॉल तो खचाखच भरा था। रविंद्रनाथ भी बड़े पहुंचे हुए आदमी थे, उन्होंने एक नजर हॉल में देखी और ऐसी हॉल में एक नजर देखने के बाद बाजू में बैठे हुए वहां के जो कुलाधिपति थे, वाइस चांसलर थे, उनके कान में कुछ खुसफुसा कर पूछा, रविंद्रनाथ ऐसा सवाल पूछ लेंगे, कुलपति महोदय को भी विश्वास नहीं था। उन्होंने बात टालने की बात की, बाद में सारा कार्यक्रम हो गया, भाषण तो हो गया, पर रविंद्रनाथ के दिमाग में तो चल रहा था। रविंद्रनाथ ने सारे हॉल पर नजर मारी, हॉल पर नजर मारने के बाद ध्यान में आया कि हॉल तो सारा भरा है परंतु हॉल में बैठे लोगों में विद्यार्थी नहीं है। उनके ध्यान में आ गया कि सारा का सारा जो बैठा हुआ है या तो स्टाफ है, क्योंकि युवा उनको बाहर कैंपस में खड़े हुए दिख गए थे, और इसलिए उन्होंने कुलपति से यही पूछा था कि बच्चों को नहीं बुलाया। तो कुलपति सक पका गए, और इसलिए कार्यक्रम के बाद जैसे ही भाषण हुआ तो कहा कि चलिए चलिए चाय पियेंगे, यहाँ चाय स्नैक्स का यहाँ पीछे है, जैसे हमारे लिए भी थोड़ी व्यवस्था है इधर, तो आप पीछे है व्यवस्था। इन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, थोड़ा एग्जाम वगैरह चल रहे, नहीं मैं बच्चों से ही मिलना चाहता हूँ। और वो बच्चों के ग्रुप में जाकर खड़े हुए। रविंद्रनाथ सोच रहे थे कि इनको बुलाया नहीं है, या तो इनको मालूम नहीं कि नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर आ रहा है, इसलिए बच्चों के ग्रुप में खड़े हुए। क्यों भाई, क्या बात है, प्रोग्राम में आए नहीं आप लोग, सूचना थी कि नहीं थी? हाँ नहीं, सूचना तो थी, फिर आए क्यों नहीं? एक हाथ रहता ही है दादा बड़ बोला, बोले सर जाने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा, रहने दीजिए रहने दीजिए। नहीं नहीं बताओ क्या बात है। नहीं नहीं बोलो, अरे नहीं नहीं सर, उसने नाना किया, इन्हें हाँ हाँ किया, बोलो बोलो। उन्होंने कहा हमको मालूम तो था कि नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर आ रहा है, पर आ कौन से देश से रहा? अरे गुलाम देश के लोग, गुलाम देश से आ रहा रविंद्रनाथ है। ऐसे गुलाम देश के वक्ताओं की बातें सुनना ये जापान के बच्चों की भेकत में नहीं है, वो तो स्टाफ है, वो तो सुने गई, हम नहीं सुनने वाले। रविंद्रनाथ के पैर के नीचे की जमीन सरक गई, उनको ध्यान में आ गया कि नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ का भी सम्मान नहीं, क्योंकि भारत का सम्मान है। और
और इसलिए हमने भारत के सम्मान के बारे में विचार किया कि ये सारी समस्याएं एक तरफ है, इनके लिए मैं कुछ सोचता हूं कि नहीं सोचता हूं, मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा। क्या केवल नारा है ईच वन टीच वन? क्या पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? क्या केवल नारे से काम चलने वाला है? मैं एक दिन समाचार पत्र देख रहा था, समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का था, उसमें मैंने देखा वो एक महिला का उदाहरण ध्यान में आया। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो है नक्सल क्षेत्र से प्रभावित है, बस्तर की घटना है, बस्तर में कांकेर नाम का एक जिला है, उसके पखांजुर नाम के ब्लॉक के छोटे से गांव की खबर छपी थी। वो वहां पर एक जो है फोर्थ क्लास कर्मचारी, एक डिपार्टमेंट में काम करने वाली, वो अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। उस महिला का नाम था सुखमती कुमेटी। वो वहां पर एक स्वास्थ्य विभाग में और पोछा झाड़ू लगाने का काम, आया का काम, टेबल साफ करने का काम, बाबूजी की फाइल इस जगह से उस जगह पहुंचाने का काम करती थी। कुल जमा कक्षा 8 पास थी। नक्सल के प्रभाव के कारण शिक्षक भी पढ़ाने वहां पर नहीं जाता है। ये सुखमती कुमेटी अपने गांव के बच्चों को अपने ही घर के चौपाल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे पढ़ाने का काम करती है। यह है वास्तव में देश के काम को करने का मन का जज्बा। और इसलिए भारत के बारे में जब विचार करते हैं तो यह बातें हमारे ध्यान में आती है। और इसलिए भारत को निर्दोष करने की दिशा में हमारे लोगों के मन में कुछ बातें आती है। मैं अपना कुछ संकल्प लेता हूं क्या? इस दिशा पर मैं कुछ काम कर सकता हूं क्या? ऐसा संकल्प हमारे देश के युवाओं को जागृत करके मन में पक्का करने की आवश्यकता। अपने देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, स्वतंत्रता के 75 वर्ष को हम सारे देश के लोगों ने मनाया भी है। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए केवल यह केवल राज सत्ता सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी, अपने देश की इस स्व की यह लड़ाई थी। और इस स्व की लड़ाई में लड़ने वाले लोग कैसे कैसे थे, इनके बारे में अगर हम कल्पना करेंगे तो ध्यान में आता है कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना मिशन ही इसको बनाया। केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, और अंग्रेजों का भी शासन जो है केवल सत्ता आधारित नहीं था, उनका आक्रमण यह हमारे देश पर एक सर्वंकष आक्रमण था। वो हमारी संस्कृति को समूल नष्ट कर देने के विचार से यहां पर आए थे, परंतु जिस प्रकार का उनका आक्रमण था अपने यहां के लोगों ने भी उसका उसी प्रकार से करारा उत्तर दिया। जिसने जहां था उसने वहां पर उत्तर दिया। और इसलिए जगदीश चंद्र बसु ने अपने आय को 2 हिस्सों में बांटा और उन्होंने कहा कि मेरी सारी आय जो है इस आय का बड़ा भाग और नए प्रयोगों के लिए सारा मैं भारत की रिसर्च के लिए देने का काम करता हूं। एक सत्येंद्र बोस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने रिसर्च पेपर, उनको फ्रांस, वो फ्रेंच भी जानते थे, उनको बड़ी डिमांड हुई, उनने पेटेंट जो उनको पेटेंट कराने के नाम पर बड़े बड़े दुनिया के देशों ने आग्रह किया, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी कला अपनी विज्ञान ये बेचने के लिए नहीं काम करूंगा। उन्होंने अपना सारा जीवन ये भारत के लिए लगाया। सारे दुनिया के रिसर्च पेपर का वो बंगला में और हिंदी में अनुवाद कर अपने बंगाल के और हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम करते। और इसलिए चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सन्यासी हो, सबने देश के स्व के लिए काम किया। वो शहीद बाबू गेनू का हम बलिदान दिवस मनाते हैं, वो कौन था? वो हमारे जैसे तो बहुत